क्या इंडिया गठबंधन में शामिल होगी बीएसपी? क्या मायावती अपने जन्मदिन पर कर सकती हैं कोई बड़ा ऐलान? मची अफरा तफरी। दरअसल आपको बता दें, लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच इंडिया गठबंधन में अब सीटों को लेकर मंथन शुरू हो गया है। इस बीच बसपा को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि वो चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में शामिल होगी या नहीं। बसपा के भीतर भी इसी तरह की बेचैनी देखने को मिल रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती क्या फैसला लेंगी? माना जा रहा है कि मायावती 15 जनवरी को अपने जन्मदिन पर कोई बड़ा ऐलान भी कर सकती हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर इन दिनों बसपा कार्यकर्ताओं में भी बेचैनी देखने को मिल रही है। माना जा रहा है कि कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। अब उनकी नज़रें पार्टी के मुखिया मायावती पर टिकी हैं कि वो गठबंधन को लेकर क्या फैसला लेंगी, क्या वो गठबंधन का हिस्सा बनेगी या फिर उन्होंने जो अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया है वो अपने उसी फैसले पर टिकी रहेंगी। वहीं आपको बता दें, बसपा की ओर से इंडिया गठबंधन में शामिल होने के संकेत मिले थे, जब मायावती ने बिना किसी का जिक्र किए हुए कहा था कि कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। वहीं बसपा सांसद मलूक नागर ने भी दावा किया था कि बिना बसपा के और मायावती को पीएम उम्मीदवार घोषित किए बिना इंडिया गठबंधन का कुछ नहीं हो सकता और बीजेपी यूपी में 75 सीटें जीत जाएंगी। वहीं इन दिनों बसपा में चर्चा चल रही है कि 15 जनवरी को मायावती के जन्मदिन पर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। क्या बसपा सुप्रीमो इंडिया गठबंधन को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है? खबरों की माने तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। बसपा के टॉप लीडरशिप में ऐसी कोई बात नहीं चल रही है और ना ही गठबंधन को लेकर औपचारिक चर्चा शुरू हुई है। ऐसे में फिलहाल तो बसपा का गठबंधन होता है या नहीं, ये तो देखना दिलचस्प होगा। अभी ना तो बसपा को कांग्रेस से कोई बात चल रही है और ना ही समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ कोई बात चल रही है। सपा और रालोद तो पहले ही बसपा को गठबंधन में शामिल करने का दबी जुबान में विरोध जता चुके हैं।